धंधा करते हैं, धंधा भगवान के साथ क्या करते हैं, बिजनेस। भगवान भगवान ये कर देना फिर मैं आपको सवा मणि चढ़ा दूंगा, ये कर लेना वो आप मेरा ये कार्य कर दीजिए फिर मैं आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ऐसी 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 बातें करते हैं फालतू की। तो भगवान को रिश्वत देने जा रहे हैं, अरे उनको रिश्वत कहाँ से दोगे आप बताओ तो मुझे, सब कुछ तो उनका है। हाँ जी, रिश्वत कैसे दोगे उनको, लक्ष्मीपति कौन है, भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण वही तो लक्ष्मीपति हैं, उनको क्या लक्ष्मी का लालच दे रहे हो, वो तो उनकी पत्नी है ऑलरेडी उनकी है। मतलब कह रहे हो मैं लक्ष्मी दे दूंगा, भगवान कृष्ण हंसते हैं, अबे लक्ष्मी तो मेरी पत्नी है क्या दे देगा, वो तो है मेरे पास ऑलरेडी, सही है कि नहीं बताइए। इसलिए और इसके पीछे कारण क्या है पूछिए कि नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही। हाँ जी, भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो जाकर के कम महत्वपूर्ण चीज मांगते हैं, क्या मांगते हैं ब्रो जी, कम महत्वपूर्ण चीज, जबकि भगवान से जाकर मांगना है तो मांगो ना, कौन मना कर रहा है, परंतु क्या मांगो, हे भगवान कृष्ण मुझे आप अपनी अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति में लगा दीजिए, कृपा करिए कि मैं आपकी अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति में लग सकूं, इतनी कृपा कर दो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए ये भक्ति मिल जाए आपके पास। सारे भक्त तो यही मांगते थे, क्यों मांगते थे, बड़े चतुर हैं प्रभु जी, जिसने अहेतु की और अप्रतिहता भक्ति कर ली उसके साथ क्या होता है, यही इस श्लोक का विषय है। क्या आ रहा है इसके अंदर, देखिए आप, महाराज परीक्षित ने सुना कि जिन भगवान कृष्ण की आज्ञा का सारा जगत पालन करता है उन्होंने अपनी अहेतु की कृपा से पांडु के विनीत पुत्रों की उनकी इच्छा अनुसार सभी प्रकार से सेवा की। इसका मतलब जो भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है, अहेतु की और प्रतिहता भक्ति के पथ को जो पकड़ लेता है, जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति में 24 घंटे लग जाता है भक्त, वो चूंकि ध्यान रखिएगा प्रभु जी, ऐसा भक्त 24 घंटे भगवान की सेवा करने के लिए आतुर होता है, उसमें आतुरता होती है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के प्रति 24 घंटे। हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं लोग उसमें क्या था, राम काज करवे को आतुर, वो क्या रहते थे हनुमान जी, राम जी की सेवा मिल जाए, क्या मिल जाए, सेवा सेवा सेवा। हाँ जी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में सेवा में अगर 24 घंटे लग जाता है, क्या होता है प्रभु जी, 24 घंटे, तो क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण को उसकी सेवा करने में बड़ा मजा आता है, बड़ा आनंद लेते हैं भगवान। यही तो यहां पर दिख रहा है, यहां बताया जा रहा है।